राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुवर्णा प्रीति किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूली के पराठे। तो गर्मा गर्म मूली के पराठे ठंडियों में बहुत ही भाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, किस बात की देरी है, रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचेगी आपके पास सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए मूली, जो कि हमने 5 मूली को छील लिया था चाकू की मदद से और अच्छे से धुलने के बाद में बारीक छेद वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद में हमने इसका सारा पानी निकाल दिया था निचोड़कर हाथ से। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इसमें बारीक कट करके हरी मिर्च को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने ऐड किया है इसमें भुना हुआ सौंफ और जीरा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हमने डाल दिया, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और ये है ऑरिगैनो जो पिज्ज़ा में पड़ता है, तो हमने ऐसे ही डाल दिया, कोई कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और ये है पास्ता मसाला, मैगी मसाला भी डाल के बना सकते हैं, चाट मसाला भी डालकर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मटेरियल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आटा को हमने 20 मिनट पहले ही गूंथ कर रख दिया था, तो जितनी देर आप आटे को गूंथ कर रखेंगे यानी रेस्ट करने के लिए, उतना ही नरम आटा होगा और जब भी आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम पराठे बनकर तैयार होंगे। तो एक एक लोई इस तरीके से बनाएंगे, छोटी लोई जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं वैसे ही। और उसके बाद में इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे, तो एक दो पराठे हमने पहले ही बना कर रख लिए हैं, अभी हम आपको बनाकर दिखाते हैं। छोटी लोई लेंगे और इस तरीके से फिंगर्स की मदद से इस तरीके से बढ़ाएंगे लोई को। और जो हमने मटेरियल तैयार किया है मूली का, इस लोई में थोड़ा सा डालेंगे और फिर उसके बाद में इसको इस तरीके से बंद करेंगे। बंद करने के बाद में सूखा आटा हल्का सा लगाएंगे और इसको बेलेंगे इस तरीके से। तो जैसे हम सभी लोग रोटियां बनाते हैं उस तरीके से हम इसको बेलेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आप मूली के पराठे बनाएं तो जो मूली है उसको बारीक छेद वाले कद्दूकस से कद्दूकस करने का और उसके बाद में इसका सारा पानी निकाल देने का। फिर उसके बाद ही पराठे अच्छे बनते हैं, यानी पराठे फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। यानी कि मूली का जितना भी पानी है उसको निकाल कर ही लेना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी लगाकर हम पराठे को सेंक लेंगे। तो जैसे मैंने ये पराठा बताया है आपको, वैसे ही हमने पराठा बनाकर एक सेक कर दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सेकना है, कोई ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टिक तावे पे आप बनाएं, इसे नॉर्मल रेगुलर तावे पर भी बना सकते हैं और हाई फ्लेम एंड मीडियम एंड हाई फ्लेम पे इसको पका सकते हैं। तो इन पराठों को, यानी मूली के पराठे को दही के साथ और जो धनिया है धनिया की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं पराठे और सब्जी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। और ये सवेरे नाश्ते के साथ पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और ठंडियों में तो हम सभी को मूली के पराठे ज़रूर बनाकर खाने चाहिए, मूली का ज़रूर सेवन करना चाहिए, ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारी सेहत के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मूली के पराठे खाने के लिए तैयार हैं। घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।